फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वुमेन्स किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू का बूंदा, मतलब आलू का वड़ा। तो आइए आपको बताते हैं हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लिया है। तो देखिए, हमने दो बॉइल्ड आलू थे उसको हमने स्मैश करके रख लिया है, धनिया है, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, लहसुन और कद्दू कसा हुआ अदरक, थोड़ा सा बेसन लेंगे बाइंडिंग के लिए। एंड मसाले में ऐड करने वाले हैं अजवाइन, यह है सौंफ थोड़ा सा बारीक किया हुआ, और यह है सफ़ेद उड़द की दाल, और इनमें से कुछ मसाले यूज़ करेंगे प्रोसेस करते वक्त, प्रोसीजर में बताएंगे। देखिए, हमने 2 टेबलस्पून राई का तेल डाल लिया है, आपके पास जो भी ऑयल अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। और हम इसे अब गर्म होने के लिए थोड़ा सा रख देते हैं। जैसे तेल हमारा गर्म हो जाएगा इसमें हम आगे के इन्ग्रीडियंट्स ऐड करेंगे। तो हमारा तेल गरम हो गया है, इसमें हम ऐड करेंगे 1/2 स्पून राई, इसको तड़कने देंगे। मीनवाइल हम इसमें थोड़ा सा ऑलमोस्ट 1/2 जीरा, 5 चम्मच हींग, 1/2 चम्मच हल्दी, उड़द दाल ले लिया था वो हमने डाल दिया है तड़के में। सारा मसाला जो हमने इंग्रेडिएंट्स ऐड किया था वो तड़क जाए तो फिर हम कड़ी पत्ता ऐड करेंगे। देखिए, हमने ये जो सौंफ लिया था थोड़ा सा, इसको भी हमने ऐड कर लिया है, कड़ी पत्ता, हरी मिर्च, लहसुन इसमें हमने डाल दिया, थोड़ा सा अदरक। अब हमें इसे अच्छे से भून लेना है। मसाला भून गया है, इसमें हमने लगभग थोड़ा सा रेड मिर्च पाउडर भी डाल दिया है और उसको आपको भून लिया। तो मसाला अब हमारा भून गया है, इसमें हमने ये जो 2 आलू थे उसको ऐड कर लिया है और उसको धीरे धीरे हम मसाले में स्मैश करके अच्छी तरह से पका लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक और ढेर सारे धनिए, आपको धनिया ऐड करके अब इसे मिला लेना है। तो देखिए, हमारा मसाला रेडी हो गया है स्टफिंग के लिए, अब हम आगे की तैयारी करते हैं। अजवाइन जो हाजमा के लिए बहुत अच्छा होता है, डाल दिया है नमक। तो देखिए, हमारा जो बैटर था हमने इसे अच्छे से फेंट लिया है और इसे रेडी कर लिया। आप जितना फेंटेंगे उतना ही आपका वड़ा फूलेगा। यहाँ पे हमने कढ़ाई रख लिया है और उसमें हमने रिफाइंड ऑयल डाला है। देखिए, हमने जो वड़े हैं उसके ऐसे गोल गोल शेप्स बना लिए हैं, इसको एग्जैक्ट गोल नहीं करना, थोड़ा सा चपटा रखना है। तो चलिए, अब इसे हम डिपिंग करेंगे अपने बेसन में, और अच्छी तरह से आपको बेसन लगाना है उसमें, घोल एकदम थिक रखना है। और अब इसे हम गरम तेल में पकने के लिए डाल दें। देखिए, अब हम इसमें अच्छी तरह से बेसन लगा ले रहे हैं। और हम इसे कढ़ाई में पकने के लिए डाल देंगे। इसी तरह आपको सारे जो वड़े हैं वो डाल देने हैं। अभी मेरे कढ़ाई में लगभग 4 का कैपेसिटी है तो हम 4 ही डाल रहे हैं। तो देखिए, हमारे वड़े जो है वो पक रहे हैं। इसी तरह हमें इसे 4 से 5 मिनट ऑयल में अच्छे से फ्लिप करते हुए पका लेना है ताकि वो जले ना। फाइनली हमारा जो ये वड़ा है ये बन गया है, और इसको हमने लहसुन की चटनी के साथ सर्व किया है, और ये बचे हुए बेसन के थोड़े से चूरचूरे बना लिए जो बहुत अच्छा लगता है। आप भी ट्राई कीजिए ये रेसिपी आपके घर, और हमें बताइए आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर रेसिपीज वीडियो। थैंक यू गाइज, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड एंजॉय द स्नैक्स।